आजि गोटे एमिति पत्र विषयरे आपण जानिबे जहाकु आपण औषध भंडार मध्य कहि परिबे कारण समस्त ए पत्र को अप्लाई करि परिबे। छोटो पिला आपण को घरे अछंती ठीक अछि अप्लाई करंतु, वृद्ध वयसरे आपण माने पहुँच सारलेनि आपण माने भी एहाकु अप्लाई करि परिबे कारण ए पत्र मिले बहुत सस्ता रे, सबु जगारे अवेलेबल थाए, मिले जाय बहुत सस्ता रे, आ बहुत सारा समस्या पई आपण को ए पत्र रिहाती देइ परिबो। तबे चालंतु फ्रेंड्स स्टार्ट करबा आजिर ए वीडियो, आ जानिबा कोन से पत्र क्यों उपाय रे एहाकु आपण माने अप्लाई करिबे, क्यों क्यों समस्या रे ए पत्र आपण को रिहाती दे पारिबो। वीडियो रे आगु को पढिबा किंतु ता पूर्वर फर्स्ट आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। फ्रेंड्स आज मु जो पत्र विषय रे आपण को कहूची ए पत्र किछि नुवा पत्र नु हो, किछि नुवा कथा मु कहूनी, ए पत्र को आदिम काल रु व्यवहार करा जाउचे खाद्य रूप रे, खाउचंती लोक एबेकार डेट रे जेते देखिबा को जिबा कोटे स्टडी रु जाना पड़छि जे आमो देश रे 50 कोटी लोक ए पत्र को खाउचंती, किंतु केउ उपाय रे खाउचंती, से माने जे उपाय रे खाउचंती किछि भी बेनिफिट मिलिबो नाही। आपण माने भाबुथिबे जे केउ पत्र कथा आज मु कहूची, मु कहूची आपण को पान पत्र कथा। पान पत्र जोटा कि खूब सस्ता रे आपण को मिली जाए, सबु जगह रे मिली जाए, आउ अनेक व्यक्ति अछंती जे माने कि पान को खाई थांते किंतु केमिति उपाय रे खांते। पान पत्र नॉर्मली आपण माने चून लगेबे, सेथरे गुटका पकेबे, सेथरे आपण माने जर्दा आउ जहाँ भी आपण थाए गुआ जहाँ भी पकाते, मु तो पान खाए ना एम भांगे बार मु देखी ए सामग्री सब पका जाए, किंतु ए जो चून है गुटका है कि जहाँ भी आपण मैंने गुआ पकाउंट से सब तर कि भी बेनिफिट ना, उल्टा चून आ गुटका खाइले आपणकर हेल्थ दिनक दिन खराब हो, किसी भी आपको बेनिफिट मिल पार ना। कि पान पत्र आपण को बहुत सारा बेनिफिट दे पार, जब चून गुआ और जहाँ भी अच्छी तार मसला बात देदे, केवल पान पत्र कथा जी कह तेज पान पत्र बहुत सारा बेनिफिट आपको दे पार, किंतु यह क्यों क्यों समस्या आपको रिहाती दबा एवं कौन कौन उपाय आपने फॉलो करेंगे से विषय में आम जाना। नंबर वन अच्छी पाचन क्रिया, जदि आपणकर हजम शक्ति कमी जाए, मन करूँ आपणकर खाद्य ठीक भाव में हजम न होबार बहुत अधिक गैस हो जाए, एसीडिटी बहुत अधिक हो जाए, दिनक दिन आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो चली, तेज पान पत्र को आपण मैंने अप्लाई करने बहुत अधिक बेनिफिट पाइपारे, केमी अप्लाई करेंगे से कथा एवं आपण मैंने जानवे। पान पत्र जिते बड़े आपण मैंने खाते से किसी कंपाउंड आपण भितरक जाए, पान पत्र रे बहुत अधिक एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड रही, एंटी ऑक्सीडेंट रही, सहित विभिन्न प्रकार विटामिन्स रही, मिनरल्स भी रही, औषधीय गुण से भरपूर पान पत्र जिते बड़े आपण मैंने खाती से आप हजम शक्ति बढ़े, गैस रिमूव हुए, एसिडिटी कमे। आउ पूर्व काल में जिते बड़े पान पत्र को लोक मैंने खाऊ यही खाऊ सारे जिते बड़े पान पत्र खंडे से चोबई दिखती तो खाद्य बहुत भल भाव हजम हुए, कौन से प्रकार समस्या से रू ना, तो से फ्रेंड्स आपण एवं पान पत्र को आपंकर डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने व्यवहार करेंगे। पान पत्र को केमी आप्लाय करेंगे देखो, पान पत्र जो मैंने खाऊ ना, पान को जो मैंने खाई ना से पान पत्र को खाईपारे ना, तो तार बेस्ट उपाय है जे आपण मैंने पान पत्र चा बन पियंतु। पान पत्र चा अनेक स्थान पिया जा, जो मैंने पान को आगुरु घृणा करुले से पान बेनिफिट विषय जानूंते तो से पान पत्र चा को निश्चित भाव में पिंट। आपण मैंने गोटे कप पा नहीं जी, गोटे कप पा कि पान पत्र आपण मैंने छिंदे पकईदे, से पानी को भल भाव फुटेबे, तार कलर चेंज हो, यापर ताकू छाणी आपण मैंने सिप सिप करके उषुम थी अवस्था पीदे, यहाँ आपण मैंने दिनक दुईथर पीपारे, जदि आपंकर पेटर समस्या अधिक बढ़ी जाऊँच तो दिनक दुईथर आपण मैंने पीयंतु, बहुत अधिक बेनिफिट आपको मिल पार। नंबर टू, पान पत्र आपणकर वेट लॉस करने बहुत अधिक साय कपण मैंने बहुत मोटा हो जाती, ओजन कमेबाई चाहूँ जोटा कि निश्चित भाव में आपणकर करने कथा, कारण आजिका समय ओजन नियंत्रण में रखा निहाती दरकार, आपण जेकोसी बयसर था कहीं जदि आपणकर जन ठीक रे कमु ना जी आपने चाहूंट, तो आपने पान पत्र चा पियंतु। केमी बनइबे से कथा पूर्व आपको कही सारी, तो पान पत्र चा दिनक दुईथर आपंतु, एथे कौन हुए आपंकर मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुए, सका खाली पेटर आपने थे पान पत्र चा को पियंतु, से चा प्रति किसी भी आड करेंगे ना, सुगर भी आड करेंगे ना, किसी भी आड करेंगे ना, केवल पान पत्र आउ पा आउ से चा को जिते बड़े सका खाली पेटर आपने पियंती आपंकर मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुए। किंतु आउ गोटे कथा, केवल जे आपने पान पत्र चा को पीदे आपंकर ओजन कमिजी चर्बी कटिजी सेमती के हेनी, मेटाबॉलिज्म आपंकर बूस्ट हम, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हबार माने या जे स्पीड रे आपंकर चर्बीटा कटिबो, किंतु चर्बी को काटिबा आपण को तो फिजिकल एक्टिविटी किछ बढ़ेबा को पड़िबो, आपण माने एक्सरसाइज करिबे, आपण माने दौड़ी पारिबे, आपण माने जोरे चली पारिबे, सीढ़ी रे ऊपर तळे हेबे, तो एभरी एक्सरसाइज कले ही आपंकर ओजन खूब
शीघ्र कमिजिव। नंबर थ्री बेनिफिट, जमी आपको कही पान एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टी अच्छी तो आपण मैंने जो पान पत्र को चोबेबे से किसी भी आपण मैंने लगेबे ना चून ना गुआ ना गुटखा किसी भी आपण मैंने पकेबे मसला किसी भी देवे केवल पान पत्र को धोई सफा कर खंडे नहीं कि आपण मैंने चोबेदे से कौन हुए आपण पटी जब दुर्गंध बाहर कौन बैक्टेरिया रही जाऊँच आपण पटी दुर्गंध बाहर तो आपण मैंने पानपत्र चोबेबा द्वारा से दुर्गंध पड़े जाए आपणकर माड़ी जब फुलू तो से समस्या भी आपण धीरे धीरे करके दूरे जीव पानपत्र चोबेले ये सब बेनिफिट आपको मिले पटीर दुर्गंध जीव माड़ी फुलबार समस्या भी जीव आद्वारा आपणकर दात सुरक्षित होकर रही है। नंबर फोर बेनिफिट, पानपत्र आपणकर थंडा काश जनित समस्या को मध्य दूर करपर पानपत्र एमती किसी गुण रही जहाँ आपण फुसफुस जमा थिबा कफ को बाहर करदेव आते बड़े कफ बाहर जब धीरे धीरे करके आपणकर थंडा काशर समस्या भी दूरे ही पानपत्र आपण फुसफुस कफ को धीरे धीरे पतला करदे जोटा कि आपणकर टॉयलेट थ्रू में से सब कफ बाहरी जाए। छोट पाना भी आपण मैंने अप्लाय करेंगे छोट पा आपण घर बहुत छोट पा अच्छा से मानकर जिते बड़े कफ हो तो पान पत्र घी लगे आपसुम करदे आपने छोट पा छाती उपरे लगेदेवे जो थी कफ धीरे धीरे करके बाहरी जाए आदिम कालर हो छोट पाने जिते बड़े कफ ताक थंडा हुए कफ हो जाए आग काल तो किसी नाला ना सिरप कि औषध किसी भी नाला छोट पाई ये देशी चिकित्सा समस्ते अवलंबन करुले तो मुझे देखी मो आई भी एभली देशी चिकित्सा अवलंबन कर छोट पा पान पत्र घी लगे उषुम करके छाती उपरे लगेदे से बहुत शीघ्र कफटा भी पतला होकर बाहरी जाए तो आपण भी ए उपाय को करें कि मन रखु जदि आपण पिलार कफ बहुत अधिक हो जाए आपण मैंने किसी मेडिसिन दौरान तो मेडिसिन को भी कंटिन्यू करेंगे मेडिसिन को बंद करेंगे ना मेडिसिन कंटिन्यू होपर भी यह आप्लाय करेंगे आपणकर भी शीत ऋतु में थंडा काश कि नाक बंद समस्या रोचे तो आपण मैंने भी स्टीम नहीं पारे पानपत्र पकईकी पा किसी फुटेदे आपण मैंने पानपत्र छिंडी आपण मैंने किसी पकई दिंतु दुई तीन पत्र टी अधिका छिंडी पकेबे जो थे कि तार स्मेलटा टे भल भाव आसो आपने गोटे टाउल को कभर करके आपण मुंड स्टीम को नियंतु नाकपटे नहीं पारे पटी पटे निकपटे भी नियंतु दस पंदर मिनिट एभली आपम नियंतु दिन को दुई थर नि देखिए धीरे धीरे करके आपणकर थंडा आ कफ जहाँ भी जमा हो जाए से सब धीरे धीरे करके पतला हाब ए बाहर को लगी थाए। नंबर फाइव, पानपत्र एंटी इनफ्लामेटरी प्रोडक्ट मध्य रही जहाँ आपणकर मसल्स पेन को दूर करे आपणकर क्यों स्थान में दरज हो जाए कि आपणकर आंठू दरज करुच्छे आपणकर पाद दरज करुच्छे पादर गंठी दरज करुच्छे तो से स्थान मानक आपण मैंने पानपत्र पेस्ट को अप्लाय करेंगे पानपत्र किसी आपण मैंने पेस्ट बनईदे पेस्ट बनवा बहुत इजी शील आपण मैंने बाटिले बहुत इजी रे पेस्ट होपणकर तो यह आपण मैंने बनई सारिकी आपणकर जो स्थान में पेन होंटार पेन हो कि आंठू में पेन हो पादर आपणकर पेन हो कि क्यों मसल्स आपणकर पेन होती आपण मैंने पानपत्र पेस्ट को लगे दिंतु और अध घंटा सेमती छाड़ी दिंतु जदि आपणकर किसी कम कर तो गोटे पतला कपड़ा भी ताऊपर आपने बांधि पारे जदि किसी कम ना तेज सेमती आपण मैंने लगे बसंतु एपणकर मसल्स रिलैक्स हुए आंठू दरज कि पाद दरज ये सब आपणकर धीरे धीरे रिलैक्स हो। नंबर सिक्स, जेकोसी खंडिया स्थान में भी जदि आपण मैंने पानपत्र पेस्ट को लगौं तो से खंडिया जल्दी जल्दी रिकवर होगा लगे जदि आपण मैंने पानपत्र पेस्ट को लगौना तेज पानपत्र रस किसी आपण मैंने बाहर करके से खंडिया स्थान में लगे दिंतु थे दुई थर लगेला देखिए खंडिया धीरे धीरे आपणकर भरवाक लगे पानपत्र एंटीसेप्टिक गुण भी रही जहाँ आपणकर खंडिया को धीरे धीरे करके रिकवर करनी। नंबर सेवेन बेनिफिट, आपणकर बहुत अधिक व्रण हो तेज पानपत्र आपण को व्रण रिहातिपर व्रण बहुत अधिका होठ व्रण हो कि जो प्रकार व्रण भी आपणकर तो से स्थान में आपण मैंने पानपत्र पेस्ट लगे पारे बाटिक तार पेस्ट आपण मैंने लगे दिंतु टिके व्रण उपरि आपण मैंने टिके पेस्ट को थोदेवे सेमती भी आपण मैंने लगे पारे कि पानपत्र रस को भी चिपुड़ी बाहर करके आपण मैंने आपण व्रण उपरे लगे पारे एथेर आपणकर व्रण धीरे धीरे सुखे आउ जिते बड़े पूरा सुखी जा भितर जो पस रो सी सुखी बाहरी पड़े ऑटोमेटिक बाहरी पड़े आपण को किसी भी दाबा दरकार ना आपण मैंने व्रण हेले केबे भी दाबे नख मारे ना कला चिन्हटा पड़ जाए। बेनिफिट नंबर एट,
ପାନପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରେ। ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବାହାରିଯିବ ଯଦି ଡେଲି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପାନପତ୍ରର ଚା ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ହେଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ହୁଏ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପାନପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, 2ଟି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ତ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି କିମ୍ବା ରସ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ବ୍ରଣ ଉପରେ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ହେଉଛି ପାନପତ୍ରର ଚା'କୁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ବି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଫା ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣଟି କମିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପାନପତ୍ରର ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସେମିତି ତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ରହିଛି ପାନପତ୍ରର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ସବୁ କହିବାକୁ ଯିବେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହୋଇଯିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କେତୋଟି ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନପତ୍ର ଦେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଦୌ ବି ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।